हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज मैं आपके लेके आई हूँ एक सिंपल वैनिला आइसक्रीम की रेसिपी। आइसक्रीम खाने के लिए अब आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट जैसी आइसक्रीम बिल्कुल घर में बनाकर तैयार कर सकते हो। बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वैनिला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। तो आप वैनिला आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल में 250 ml व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे अमूल व्हिपिंग क्रीम यूज किया है। आप चाहे तो किसी अदर ब्रांड के भी व्हिपिंग क्रीम का यूज कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। ध्यान रहे कि क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। तो आप इस रेसिपी को बनाने के 1 घंटा पहले ही व्हिपिंग क्रीम को रेफ्रिजरेटर में चिल्ड होने के लिए रखते। और अब हम इस क्रीम को एक हैंड बीटर के हेल्प से 8 to 10 मिनट्स के लिए बीट करेंगे। क्रीम को हमें थिक और स्टिफ पीक बनने तक बीट करना है। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो क्रीम कितना थिक हो चुका है और इसमें स्टिफ पीक भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे अब आपको क्रीम को बीट नहीं करना है। क्रीम बिल्कुल तैयार है आइसक्रीम बनाने के लिए। और अब हम बोल के किनारों पे लगे हुए क्रीम को एक स्पैचुला के हेल्प से एक जगह कर लेते हैं। और अब हम एक बोल में 100 ग्राम चिल्ड कंडेंस्ड मिल्क लेंगे। और अब हम 3 to 4 tablespoons मिल्क ऐड करेंगे। इसे एक विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क को डायरेक्ट क्रीम में ऐड करोगे तो ये थिक होने की वजह से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाती है। तो इसे आप मिल्क के साथ थोड़ा पहले मिक्स कर लें। कंडेंस मिल्क को हमने मिल्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि ये थोड़ी थिन कंसिस्टेंसी की हो जाए और क्रीम में हम इसे आसानी से मिक्स कर सके। और अब हम कंडेंस मिल्क को क्रीम में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून वैनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे कि मिल्क को हमें एक साथ इसमें ऐड नहीं करना है। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिल्क ऐड करें और इसे मिक्स करें। और अब हम इसमें 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हो कि वैनिला आइसक्रीम बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर लिया है और अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने एयर टाइट कंटेनर में वैनिला आइसक्रीम मिक्सचर को ट्रांसफर कर लिया है। और अब हम इसे कवर कर रेफ्रिजरेटर में 8 to 10 hours के लिए और ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे एक एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो किसी भी एक सिंपल प्लास्टिक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आइसक्रीम जमाने के लिए। और ध्यान रखें कि अगर आप ओपन कंटेनर ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्लिंग रैप या एल्युमिनियम फॉइल जरूर लगाएं, नहीं तो आपके आइसक्रीम के ऊपर एक आइस की लेयर कोट हो जाएगी। और अब आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेटर से हमने वैनिला आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है। और अब हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं कि वैनिला आइसक्रीम कैसी सेट होकर रेडी हुई है। और आप देख सकते हो कि कितनी सॉफ्ट, कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। इसके ऊपर कोई भी आइस नहीं है। तो अब हम इसे एक आइसक्रीम स्कूपर की हेल्प से स्कूप कर लेते हैं। और आप देख सकते हो कि आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट और क्रीमी है जिसकी वजह से हम आसानी से इसे स्कूप कर पा रहे हैं।
और आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट वैनिला आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर, और अब हम एक सर्विंग बोल में 2 to 3 scoops ऑफ वैनिला आइसक्रीम डालेंगे और इसे चॉकलेट सिरप से गार्निश करेंगे। परफेक्ट वैनिला आइसक्रीम विद चॉकलेट सिरप बिल्कुल रेडी है एंजॉय करने के लिए, तो आप इसे घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे वैनिला आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, इस वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।